खबरदार, आज से एक नए लुक, नए अंदाज में आपके सामने है, जहां पूरी खबर भी होगी और पूरा विश्लेषण भी होगा। इतना ही नहीं, प्रोग्राम देखकर आप जीत सकते हैं एक सोने का सिक्का, क्योंकि बुलेटिन के आखिर में हम पूछेंगे बुलेटिन से जुड़ा एक सवाल। लेकिन आज का बुलेटिन क्यों है खास, ये भी जान लीजिए। आज हम आजम खान की संयुक्त राष्ट्र पॉलिटिक्स का विश्लेषण करेंगे। क्या दादरी की घटना पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव को चिट्ठी लिखकर आजम खान देश की इज्जत नहीं उछाल रहे? आज हम ये भी चर्चा करेंगे कि लालू के बड़े बेटे कैसे चुनावी मैदान में 25 साल के हो गए और कैसे उनके छोटे बेटे एक साल बड़े यानी 26 साल के हो गए। दिल्ली वासियों के सिर पर ऐसा कौन सा खतरा मंडरा रहा है जो धीरे धीरे उनकी जान ले रहा है, लेकिन जिसकी दिल्ली वालों को चिंता ही नहीं। ये सारी खबरें हम आपको आज खबरदार में दिखाएंगे विस्तार से। इन पर हम चर्चा भी करेंगे, इनका विश्लेषण करेंगे। बिहार के चुनाव हैं, जाहिर है वहां से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। दरअसल गोमांस को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसे लेकर रोज कोई ना कोई नया घटनाक्रम जुड़ता जा रहा है। किस तरीके से सियासत बढ़ती जा रही है, वो सारी चीजें हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री आजम खान को हालांकि हल्के में नहीं लिया जा सकता, कुछ कहते हैं तो उनका खास मतलब निकाला जाता है, और इस बार उन्होंने जो कहा है उससे वोटों के ध्रुवीकरण का सवाल बाद में उठता है, समाज के बंटवारे का सवाल पहले खड़ा हो जाता है। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी इसे जल्द हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। बाबरी के बाद दादरी का इंतखाब। दादरी की तुलना बाबरी से, यूपी सरकार के मंत्री आजम खान यही कह रहे हैं। हद तो ये कि देश में मुसलमानों की दुर्दशा का मुद्दा अब आजम खान यूएन में उठाना चाहते हैं। ये चिट्ठी यूनाइटेड नेशंस को हम भेज रहे हैं, हमने मिलने का समय मांगा है। मैंने इसे यही कहा है कि मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है, मुसलमान बहुत खौफजदा हैं, सिर्फ गुमान की बुनियाद पर उन्हें मारा जा रहा है। आजम खान ने दादरी मामले में सीरिया, मिस्र जैसे गृह युद्ध की आग में जलते देशों का भी जिक्र कर डाला। 18% मुस्लिम आबादी को आरएसएस और बीजेपी का खौफ दिखाया, लेकिन ये नहीं बताया कि साल 2015 से शुरुआती 6 महीने में यूपी में सबसे ज्यादा 68 सांप्रदायिक दंगे क्यों हुए। इस दरमियान किसी दंगे पर आजम खान ने क्यों चिंता नहीं जताई, और अगर वो सुर्खियों में आए भी तो सिर्फ अपनी भैंसों की सुरक्षा पर ही क्यों? वोट के सौदागर हैं, इनको उससे कोई सहानुभूति नहीं है। अरे ये देखो कि बरसों से, पीढ़ियों से सारे लोग एक साथ रहते आए हैं, क्या परिस्थिति हुई, जांच होने दो। और जो दोषी हो, मैं किसी दोषी को बचाने की बात नहीं करता, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर यूपी सरकार ने अखलाक के परिवार को मुआवजा बढ़ते विवाद के साथ क्यों बढ़ाया? आजम खान इस पर भी नहीं बोले। जहर उगलते नेता दोनों तरफ है, लेकिन आजम खान ने दादरी मामले में न पीएम को खत लिखा, न राष्ट्रपति को, और न कोर्ट से दखल की मांग की। दरअसल आजम खान मुलायम के लिए मुफीद हैं तो योगी आदित्यनाथ, संगीत सोम और साध्वी प्राची के तेवर बीजेपी को रास आते हैं। सवाल है कि क्या सारी सियासी स्क्रिप्ट बिहार के मौजूदा चुनाव और यूपी में 15 महीने बाद छिड़ने वाले संग्राम को देखकर आगे बढ़ाई जा रही है? दादरी से राम किंकर सिंह के साथ आमिर हक, लखनऊ आज तक। गोमांस प्रतिबंध के सवाल पर आज तक ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी सवाल पूछा। अमित शाह ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, हालांकि ये बताने में नहीं चूके कि यूपी सरकार की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। बीफ बैन के इर्द गिर्द जो राजनीति हो रही है, क्या वो सही है? देखिए, जहां तक ये घटना का सवाल है, इससे बीफ बैन पर कोई लेन देन नहीं है। ये निर्मम हत्या का मामला है और कानून और व्यवस्था का मामला है। जब अन्यायपूर्ण तरीके से व्यवस्था चलती है तब आइदर और साइड पर अनरेस्ट होता ही है। लेकिन फिर भी बीफ के इर्द गिर्द क्या नेताओं को, मंत्रियों को बयान देना चाहिए? हाँ? बीफ के इर्द गिर्द क्या नेताओं को, मंत्रियों को बयान देना चाहिए या परहेज करना चाहिए? कम से कम मैं देना नहीं चाहता, इसीलिए उस पर कोई कमेंट नहीं करें। आप दिलाना चाहती है, मैं देना नहीं चाहता।
दादरी हत्याकांड गोमांस की अफवाह को लेकर हुआ। ऐसे में अब गोमांस पर महाभारत मची हुई है, जिसमें हर पार्टी का नेता कूद पड़ा है। कोई बीफ निर्यात पर पाबंदी की बात कर रहा है, कोई बीफ खाने की घुड़की दे रहा है। आज पूरे दिन आज तक संवाददाताओं ने कई नेताओं से इस मुद्दे पर बात की। तो पहले सुनते हैं आजम खान ने क्या कहा इस पर। आजम साहब, आपको नहीं लगता है ओवर रिएक्शन है जब आपने कहा कि आप इस मामले को यूएन तक लेके जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर? हम इस बारे में दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब बता चुके हैं। लेकिन आप इसकी जरूरत समझते हैं? क्यों नहीं है जरूरत, हम दुनिया से अलग हैं। यूएनओ किस लिए है? या तो ये साबित हो कि यूएनओ सिर्फ एक खेल तमाशा है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो पूरी दुनिया के लिए है, पूरी दुनिया ने ऐसा तय किया है। लेकिन लोग इसलिए भी ये सवाल उठा रहे हैं कि आप, ये घटना जिस जगह पे हुई है वहाँ आपकी सरकार है, आप सब वरिष्ठ मंत्री हैं, क्या ये मामला सरकार हैंडल नहीं कर सकती? वो अलग इशू है, ये अलग इशू है, दोनों चीज़ों को एक दूसरे से कोरिलेट नहीं किया जा सकता। सरकार की जिम्मेदारी का सवाल आया तो बात बदल गई। वैसे बीफ का सवाल बिहार चुनाव में भी गर्मा गया है। लालू यादव के बीफ से जुड़े बयान को बीजेपी ने लपक लिया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार तक से सफाई तलब कर ली। लालू जी भी यही कह रहे हैं बीफ बैन पे कि उन्होंने जो ट्वीट किया आपने उसके बाद उसको तोड़ मरोड़ दिया सबने। नहीं नहीं, मैं चुनौती देता हूं, मेरे बयान को भी दिखाया जाए। लालू जी के बयान इसमें कैद है, मैं आप ही के चैनल से मोबाइल में भी रिकॉर्ड करके रखा है आपने, मतलब पूरी तैयारी है सब। आपके बयान को, जो लालू जी से वीडियो को, उसको मैंने उतारा है इस पर, इसलिए कि लालू जी को दिखाना चाहता हूं कि लालू जी आपने ये नहीं बोला था, ये बोला था, कहा था गौ मांस हिंदू भी खाते हैं, और अंग्रेजी बोला था बीफ हिंदू भी खाते हैं। तो मैं तो अंग्रेजी नहीं जानता हूं, आजकल अंग्रेजी लालू जी ज्यादा बोल रहे हैं, बीफ का हिंदी क्या होता है, गौ मांस ही होता है। गोमांस विवाद के बीच असल सवाल है दादरी के बिसहड़ा गांव में अमन चैन और दरकते रिश्तों की बहाली का। सवाल उन जख्मों के भरने का है जो परायों से नहीं बल्कि साथ रह रहे पड़ोसियों से मिले। अखलाक की जिंदगी तो अब वापस नहीं लौटेगी, लेकिन सवाल है कि क्या वो भरोसा और विश्वास लौटेगा जो हर रिश्ते की बुनियाद है। अखलाक के गांव में पुलिस के सख्त पहरे में सन्नाटा पसरा है। परिवार पर सरकार की रहमतें बरसी हैं, लेकिन इससे अखलाक की जिंदगी तो वापस नहीं मिलेगी। एयरफोर्स के जरिए वतन की सेवा कर रहे अखलाक के बेटे सरताज की आंखों में भविष्य को लेकर सवाल हैं। वो तो ड्यूटी पर लौट जाएगा, लेकिन परिवार कहाँ रहेगा? मैंने प्रशासन से इस बात का सवाल किया है कि अगर मैं यहाँ से अपना सामान लेकर जाऊँगा तो मैं रहूँगा कहाँ, क्योंकि फैमिली की एक जिम्मेदारी होती है कि उसमें बहुत सारे काम होते हैं। मैं तो फौज में रहने वाला हूँ, बंजारों जैसी जिंदगी है मेरी, कभी कहीं मैं उनको साथ में रखूँगा टेम्परेरी बेसिस, अगर मैं छुट्टी भी लूँगा तो कहाँ रहूँगा। जिंदगी मानो ठहर सी गई है बिसेड़ा गाँव में। नेताओं के काफिले सन्नाटा चीरते हैं, सियासत के रास्ते अखलाक के घर की ओर बढ़ते हैं, जहां सूनी आंखें हैं, आंसू हैं, और गंगा जमनी तहजीब पर सवाल ही सवाल। ये हमारे साथी हैं सब, वो जो भी चाहेंगे हमारे लिए, संतोष या अच्छाई या हमें वहां से निकालना, वो खुद करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है। हर जुबान पर अखलाक के आखिरी वक्त की चर्चा है, जब अखलाक ने मौत नजदीक से देखकर अपने दोस्त मनोज सिसोदिया को मोबाइल फोन से आखिरी बार गुहार लगाई थी। दोस्त को अफसोस है कि आखिरी गुहार पर वो काम नहीं आ सका। वहीं पे उन्होंने मुझसे इतना ही कहा था कि आप किसी तरह मासी जल्दी जल्दी मेरे घर पर आ जाओ, हमें बचा लो और फोर्स बुला दो, इतनी बात हुई थी। उन्होंने तो फोन काट दिया, दूसरी कॉल उन्होंने जब की थी वो उस पर कोई बात नहीं हो पाई। जिनके साथ राजी खुशी अखलाक का बचपन बीता, वही लोग मुसीबत में जिंदगी के साथ खड़े न हो सके, ये सवाल अखलाक के परिवार को बहुत गहराई से चीरता है। हर जवाब रिश्तों में आई दरार की नई इबारत खड़ी कर देती है। लेकिन ये पता ना क्या हुआ, एकदम लोगों के दिमाग बदले हैं और इस घटना को अंजाम दिया है। ये हादसा इस तरीके का है, इसमें गुमराह होने का कोई मकसद ही नहीं पैदा होता, इसमें एक साजिश का मकसद आता है सामने। जख्म तो भर जाते हैं लेकिन दाग रह जाते हैं। परिवार की तकलीफ यही है कि जिंदगी लाश बना दी गई अफवाहों के गर्म बाजार में, तो आगे ऐसा नहीं होगा इसकी गारंटी अब कौन देगा? पड़ोस के साथ भाई बंदी के नाते जब टूट गए तो फिर सरकार और नेताओं की किसी बात का भरोसा कहां तक दिलासा देगा?
सरकार का इंसाफ करेगी। राम किंकर के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक।